इटावा में ट्रक से टकरा गई बस। हादसे में चार लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि 45 यात्री जख्मी बताए जा रहे हैं। और अजमेर से गोरखपुर जा रही थी ये बस। सैफई में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ। कल भी इस तरह की खबर सामने आई थी, जहां मध्य प्रदेश से जो बस निकली थी वो प्रयागराज में जो दुर्घटनाग्रस्त हुई थी उसमें भी काफी लोग मारे गए थे। गोरखपुर जा रही थी वो बस, लेकिन आज इटावा में जो ट्रक से बस टकराई उस हादसे में चार लोगों के मारे जाने की खबर है। 45 यात्री जख्मी बताए जा रहे हैं। और यह बस अजमेर से गोरखपुर जा रही थी, और कल भी हैदराबाद से गोरखपुर जा रही थी बस। दिवाली के मौके पर लोग अपने घरों का रुख कर रहे हैं, वो पहुंच रहे हैं, लेकिन ये जो खुशियों का माहौल है वो मातम में तब्दील हो जा रहा है। देखिए, सैफई में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर यह हादसा हुआ, और अस्पताल में ये जो मरीज हैं वो अभी उनका इलाज चल रहा है। तो बस और ट्रक की आपसी टक्कर में चार लोगों की मौत और 35 लोग घायल बताए जा रहे हैं। किस तरह से बस के परखच्चे उड़ गए सामने से, आप ये देख सकते हैं, इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। और ये ट्रक देखिए, ट्रक की हालत क्या है, रफ्तार का ये कहर है, अंदाजा लगाया जा सकता है इतने लोग जख्मी हैं। चार लोग अभी तक उनके मरने की खबर हुई है, क्या इसकी भयावहता है और तीव्रता है, रफ्तार, तो ये रफ्तार का कहर है जो एक्सप्रेसवे पर हमें देखने को मिला, इटावा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हादसा। संतोष शर्मा का रुख करेंगे, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संतोष, किस तरह की खबर है, कब का ये वाकया है और अब तक का अपडेट क्या है? देखिए, ये सुबह का ये हादसा है, लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर गोरखपुर से अजमेर जा रही ये बस डंपर से जाके टकरा गई, जिसमें करीब चार जो यात्री थे बस में सवार उनकी मौत हो गई है और 45 यात्री के लगभग घायल हैं, जिनको सैफई मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। इस पूरे हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया है और अफसरों को मौके पर पहुंचकर घायलों के समुचित इलाज के निर्देश दिए हैं। लेकिन ये दर्दनाक हादसा है, चार लोगों की मौत और 45 लोग घायल हुए हैं। जी शुक्रिया संतोष इस पूरी खबर पर जानकारी पहुंचाने के लिए। तो ट्रक से टकराई अभी बस और चार लोगों की मौत हो गई, 45 लोग जख्मी हैं। अजमेर से गोरखपुर जा रही थी ये स्लीपर बस, ये जानकारी मिल रही है।